नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में पानी की समस्या को लेकर किस्मत कॉलोनी के जो महिलाएं हैं उन्होंने यहां मुमरा प्रभाग समिति पर जो है एक मोर्चा निकाला था। उस मोर्चे के दौरान जो है यहां पर कई लोगों ने मटका दिखाया और जो है मोर्चे में कई महिलाएं शामिल थी जिन्होंने जमकर जो है नारेबाजी भी की। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ जो है सफर नुमानी साहब, आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या है ये पानी का पूरा मसला। सर आप बताइए कि क्या पानी का पूरा मसला क्या है, कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है? पानी का एक्चुअली पानी का मसला जो चल रहा है किस्मत कॉलोनी में डोंगरे नगर जो है अंदर का हिस्सा जो है वहाँ पानी का प्रेशर डाउन है। हमारे यहाँ जो शरीफा रोड का पानी का टाइमिंग है 3 बजे से 6 बजे तक का टाइमिंग है और किस्मत कॉलोनी जहाँ पर पानी का ये मसला चल रहा है उनका पानी का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। 9 बजे से 1 बजे तक पानी आता है लेकिन अंदर के हिस्से में पानी नहीं जाता, तो उनके लिए एक अल्टरनेट लाइन डाली गई थी। फिर उनको जो 4 बजे वापस वॉल खोला जाता था 4 बजे से 6 बजे तक उनको पानी मिलता था, लेकिन बहुत दिनों से ये शिकायत आ रही थी कि वहाँ पर पानी का बिल्कुल नहीं जा रहा है। और हमने इसकी कई बार वागुले साहब से शिकायत की, हमने कई बार अपने खरताले साहब जो हमारे यहाँ ऑफिसर हैं उनको भी थाने में शिकायत की कि साहब पानी का प्रेशर बहुत दिनों से डाउन है और पानी का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर ये महानगर पालिका जो हमारा जल विभाग है उन लोगों से कहीं ना कहीं कोताही ज़रूर हुई है कि उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और जिसकी शक्ल में वहाँ के लोगों ने आज मोर्चा निकाला था यहाँ पर। फिर हम लोग यहाँ पर आए हमारे दोनों नगर सेवक। तो आपने सुना कि इन्होंने बताया कि जो है कई बार पानी की शिकायत की गई थी लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ से जल विभाग ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसके बाद जो है इन्होंने मजबूरी में आकर जो है मोर्चा निकाला और यहाँ पर मोर्चा निकाला। उसके बाद अब मोर्चे के बाद इनको यहाँ पर क्या आश्वासन मिला है? सर आपको क्या आश्वासन दिया गया यहाँ से मोर्चा? हमने आज ही कहा है कि वागुले साहब से जो शरीफा रोड का और किस्मत कॉलोनी का पानी का टाइमिंग है आप वो टाइमिंग पर जब वॉल खोलते हैं तो जा करके विजिट करिए कि देखिए कि क्या प्रॉब्लम है। अगर पानी का प्रेशर डाउन है तो आप उनको किसी जो भी सूरत से है उनको किसी ना किसी तरीके से पानी दिया जाए, और अगर पानी नहीं दिया गया उनको तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत छोटा मोर्चा था, बहुत बड़ी शक्ल में हम मोर्चे की शक्ल में हमको जो हो सकेगा हम उसके लिए आंदोलन करेंगे। ये पानी के लिए हमको पानी किसी भी सूरत में चाहिए। मैंने बताया कि आज जो मोर्चा निकाला गया था ये बहुत छोटा मोर्चा था, अगर इसके बाद भी हालात नहीं सुधरते हैं तो एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है मोर्चा निकाला जाएगा। और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है, क्यों यहाँ पर आप लोग मोर्चा निकाल लेते हैं? देखिए पानी नहीं है, 5-6 महीने से बहुत तकलीफ है पानी की, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसके लिए हम लोग आए हैं। तकलीफ बहुत हो गई है और पब्लिक सब भी आए हुए। कितना दिन हो गया पानी नहीं आया? 5 महीने से पानी नहीं आ रहा है, बकरीद के टाइम से पानी नहीं आता है। 2 घंटा 1 घंटा पानी मिलता है, उसमें क्या होगा? मतलब कितने दिन से, मतलब 1-2 दिन छोड़ के पानी आता है या फिर दो दिन छोड़ के 2-2 घंटे मिलते हैं? पिएंगे क्या, पकाएंगे क्या, करेंगे क्या हम लोग? 80 रूम हमारी बिल्डिंग में, एक रजा भी रजा है, 80-80 घर है, 2-2 दिन में पानी मिलता है 2 घंटा, कैसे गुजारा होगा इसमें? चलिए बोलो। अच्छा 5 महीने से पूरा पानी के लिए परेशानी हो रही है। आप बताए आप किस एरिया से यहाँ पर आए मोर्चा लेकर? शरीफा रोड से। आपके एरिया में एक बिल्डिंग में जो है कितने दिन से पानी नहीं आया? ये 4-5 महीने से पानी नहीं है, बकरीद के टाइम से पानी नहीं मिल रहा हम लोग को। आप बताइए। यही 4-5 महीने से पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इस वजह से हम लोग ने आज परेशान होकर के मजबूर होकर के मोर्चा लेकर आए। हमारे एरिया का वॉल भी बहुत कम खोलते हैं इन लोग और एक ही टाइम में खोलते तो हमारा बिल्डिंग लास्ट है तो वहाँ पहुँच नहीं पाता है पानी। दो टाइम का पानी भी नहीं आता। हाँ 2 घंटा भी नहीं आता, उसमें 2-2 घंटा हमको, जिसकी बड़ी फैमिली हो क्या करेगा? हमारी बिल्डिंग में बॉडी भी तो नहीं कि बॉडी का पानी हम लोग यूज़ करें। आसिम शेख साहब, इन्होंने जो है यहाँ पर प्रभाग समिति पर जो है पानी के लिए जो है मोर्चे को निकाला था, ये हम उनसे बात करते हैं कि क्या पानी की समस्या है। बताइए आप पानी की समस्या। देखिए ऐसा है कि पानी तो बहुत दिनों से तकलीफ थी किस्मत कॉलोनी में और शरीफा रोड में, तो नगर सेवकों को कंप्लेंट किया गया, उसके बाद यहाँ पर आज ये किया गया है। तो यहाँ आने के बाद ये पता चलता है कि वॉल जो होता है, जो मेन जो वॉल है वो आटे के हिसाब से खोलते हैं, तो 8 आटा 11 आटा 12 आटा खोलते हैं, तो उससे तकलीफ़ होती थी। और अभी यहाँ आने के बाद बता रहे लोग कि भाई इनलीगल लाइन की वजह से तकलीफ़ होती, तो जब लाइन लोग मार रहे थे, जब तुमको कंप्लेंट कर रहे थे, उस वक्त क्यों नहीं आप लोग काट रहे थे? आप लोग अगर जब लाइन जिस दिन कट रही है उस दिन मैंने कंप्लेंट किया, तो उस दिन आप लाइन काट रहे नहीं हो, फ़ोन आप रिसीव नहीं कर रहे हो और आज तकलीफ़ हो रही है, तो आप आज बोलते हो कि इनलीगल लाइन से तकलीफ़ होती, तो ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने अभी बागुले साहब ने मुझसे वादा किया है कि कल उन लोग आएंगे अपने डिपार्टमेंट के साथ में, और इधर आने के बाद वो
उधर आने के बाद देखेंगे, उसके बाद अगर आपने अभी जो यहाँ पर अनशन किया मतलब मोर्चा निकाला है, तो इस मोर्चे के दौरान आपको यहाँ से क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि कल सुबह में 11-12 बजे के दरमियान बागुले साहब अपने डिपार्टमेंट के साथ में पानी चालू करके और वो हर सोसाइटी में और वार्ड के अंदर राउंड मार के देखेंगे, दौरा करेंगे कि पानी का क्या समस्या चल रही है। मैंने सुना कि जैसा कि इन्होंने बताया कि जो बागुले साहब हैं वो जो है पहले जो है किस्मत कॉलोनी और जो शरीफा रोड है उस एरिए का दौरा करेंगे, जायजा लेंगे, उसके बाद जो है पानी की समस्या का हल निकालने की बात कही उन्होंने कि जो है पानी की समस्या का हल निकाला जाएगा। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।